दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में कुछ और आगे। कार्तिक ने शांति से वरुण को देखा और उसने कोमल आवाज में कहा, अगर तुम ये चाहो भी तो तुम्हें पहले ये देखना होगा कि क्या तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है। वरुण की आंखें कठोर हो गई और वो अचानक से हमला करने के लिए कार्तिक की तरफ बढ़ा। उसी समय रणबीर भी वरुण की दिशा में ही आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वो दोनों एक दूसरे से टकराए और दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतों के टकराने से तेज आवाज आई। कार्तिक उन दोनों को शांति से लड़ते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि जीत उनकी ही होगी। दूसरी तरफ महेश इतना शांत नहीं था ये देखकर कि वरुण रणबीर को हिला भी नहीं पा रहा था और अब सौरभ और आरुष को मारना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा है। महेश का दिल अचानक से उसके गले में आ गया था। बड़े गुरु, अब हम क्या करेंगे? धीरज काफी डर गया था और उसको अपने पैर कमजोर महसूस हो रहे थे। भले ही उसको वरुण का भी डर था, मगर अगर वरुण जीता तो वो कम से कम जिंदा तो रह पाएंगे, मगर अगर वरुण हार गया तो धीरज ये सोच भी नहीं सकता था कि फिर क्या होगा। महेश ने जब पहले वो सब टॉन्ट से भरे शब्द कहे थे, तब वो कॉन्फिडेंट था कि वरुण अपनी ताकत से सब पर कंट्रोल रख पाएगा और इसलिए ही महेश ने सब कुछ बताने की हिम्मत की थी। मगर अगर अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर उनका क्या होगा? चुप रहो, वरुण नहीं हार सकता। सिद्धार्थ के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, महेश ने धीरे से चिल्लाकर कहा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरज को वार्निंग दे रहा था, मगर असल में अपने दिल में महसूस कर रही इनसिक्योरिटी को शांत करने की वो कोशिश कर रहा था। धीरज को भी सच का एहसास हो गया था, अगर वरुण जीता तो उसके लिए सब कुछ सही रहेगा, मगर अगर वरुण हार गया तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। महेश के चिल्लाने पर धीरज डर से कांप कर शांत हो गया था। वो अभी बेचैन था। वरुण काफी शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि सिद्धार्थ के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर कार्तिक के साथ आए रहस्यमय लड़के ने न सिर्फ वरुण के हमले को रोक दिया था, बल्कि वो काफी देर से लड़ रहे थे और वरुण अब तक उस लड़के से छुटकारा नहीं पा पाया था। और तो और, उस लड़के के पास अजीब ताकत थी। उसकी ताकत काले रंग की थी, जो कि उन रंगों में से नहीं थी जिसको इस दुनिया के लोग जानते थे। उसने देखा कि रणबीर और वरुण के बीच में लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी और ये देखकर धीरज के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। महेश और धीरज का डर चारुमति गुरुकुल के लोगों के लिए एक उम्मीद के जैसा था। उनको उम्मीद थी कि वो शायद इस मुश्किल हालत से बच जाएं। सब अपने हाथों की मुट्ठी कसकर देख रहे थे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सिर्फ कार्तिक ही इकलौता ऐसा लग रहा था जिसको चिंता नहीं थी और उसके लिए जीत और हार मायने नहीं रखती थी, या फिर वो ऑलरेडी जानता था कि चीजें क्या मोड़ लेंगी। जल्द ही एक तेज आवाज सुनाई थी। वो दोनों जो आपस में लड़ रहे थे वो अचानक से दूर गिर गए। रणबीर कार्तिक के बराबर में खड़ा था। उसके मुंह के कोने से हल्का सा खून निकल रहा था और उसके शरीर पर कई चोटें देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ वरुण भी खड़ा हो गया था और उसकी कंडीशन रणबीर से बेहतर लग रही थी। उसके शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं थी और ना ही उसके शरीर पर कोई खून दिख रहा था। जब महेश ने उन दोनों की कंडीशन को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वरुण जीत गया, वरुण जीत गया। वो ये जानता था कोई भी वरुण का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब महेश वरुण को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आगे बढ़ने वाला था, वरुण की हालत अचानक से खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई थी। जब वरुण ने खून की उल्टी की तो उसका शरीर लड़खड़ाने लगा था और उसने अपनी चेस्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर सलबटें आ गई थी और वो रणबीर के पीछे खड़े कार्तिक को देख रहा था। उसकी आंखों में आग की लपटें भर आई थी और वो उस समय कार्तिक को जान से मार देना चाहता था। तुम कौन हो? उसका पूरा शरीर दर्द महसूस कर रहा था, जो कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वरुण जानता था कि देखने पर रणबीर की चोटें ज्यादा गंभीर लग रही थी, मगर ऐसा सिर्फ उनके बाहर की चोटों की तुलना करनी पड़ता और उसने जंग में शरीर के अंदर आई गंभीर चोटों को नहीं गिना था। रणबीर ने वरुण के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ऑलरेडी उस पर एक बार फिर से हमला करने को तैयार था। जब महेश ने वरुण को उल्टी करते देखा तो उसका दिल व्याकुल हो गया था। चीजों ने वो मोड़ ले लिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और वो इस बात का अंदाजा लगाने में नाकामयाब हो गया था कि वरुण का उस रहस्यमय लड़के से कोई मुकाबला नहीं था। रणबीर ने एक और हमला किया। वरुण अपनी पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार वो अपनी ताकत को बढ़ा नहीं पाया था और वो बस डिफेंसिव हो गया था। फाइनली वरुण जमीन पर गिरा। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसका शरीर काफी दर्द महसूस कर रहा था और उसकी आंखें कार्तिक को देख रही थी। उसको काफी गुस्सा आ रहा था। मुझे तो ये दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। कार्तिक वरुण को गुस्से से भरी आंखों से देख रहा था, मगर उसकी खुद की आंखों में कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे। वरुण ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन निम्न वर्ग में बनेगा। रणबीर की ताकत देखकर वो काफी शॉक्ड हो गया था, मगर कार्तिक की वजह से उसको काफी पछतावा महसूस हो रहा था। अब जब रणबीर वरुण पर उसको मारने के लिए प्रहार करने ही वाला था, कई लोग अचानक से चारुमति गुरुकुल में आ गए थे। नीली शक्ति की रोशनी रणबीर की तरफ चमक रही थी। रणबीर एकदम से पीछे हट गया। उसकी नजरें उसकी तरफ आ रहे विरोधियों पर टिकी हुई थी। चार अट्रैक्टिव लड़के अचानक से वहां पर आ गए थे। जब कार्तिक ने उन लोगों के चेहरों को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वो वही चार लोग थे जो उस समय मैथाई ऑक्शन हाउस में वरुण के साथ थे, मध्यम वर्ग के लोग। देविका का चेहरा उतर गया। उसने ये बार बार चेक किया था कि सिर्फ अकेले वरुण ही चारुमति गुरुकुल में है और वो इन लोगों को लेकर ही चिंतित थी। रणबीर वरुण को हरा सकता था, मगर अगर विरोधियों की संख्या बढ़ गई तो फिर ये उनके लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। उन लड़कों के लीडर ने जब वरुण को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके माथे पर सलबटें आ गई और उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई?
वरुण को खून से लथपथ देखकर वो लोग सरप्राइज्ड हो गए थे। उन्होंने वरुण को चारुमती गुरुकुल में अकेले छोड़ने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता था, मगर जो कुछ वो अब देख रहे थे उसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो गए थे। वरुण को न सिर्फ चोटें आई थी बल्कि उसकी चोटें काफी गंभीर भी थी। उनमें से एक लड़का एकदम से वरुण की मदद करने के लिए आगे आया और उसने जल्दी से दवाई निकाल कर वरुण को दी। अपने साथियों को देखकर वरुण के दिल में भरी निराशा गायब हो गई थी। उसने अपने शरीर के दर्द को इग्नोर कर दिया और उसने अपनी आंखें उठाकर देविका को देखा। उसके होठों पर क्रूरता से भरी मुस्कान आ गई थी। उसको ये मानना होगा कि ये रहस्यमय लड़का काफी शक्तिशाली है, मगर अब जब उसके साथी आ गए थे और अगर उन चारों ने साथ में उन पर हमला किया तो वो रहस्यमय लड़का उनको रोक नहीं पाएगा। कार्तिक, ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, क्या तुम डिसअपॉइंट हो गए? वरुण किसी और को नहीं देख रहा था, वो बस कार्तिक को देख रहा था और वो उसके चेहरे को देख रहा था जिस पर शांति के अलावा और कुछ नहीं था। वो देखना चाहता था कि क्या अब उसके चेहरे के हाव भाव बदलेंगे, क्या इसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उन लड़कों के लीडर ने कार्तिक को देखा। कार्तिक को देखकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। वो लड़का काफी यंग लग रहा था, वो वरुण से भी छोटा लग रहा था, मगर उसकी आंखें उसमें काफी ज्यादा कोल्डनेस थी और उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये आत्मिक शक्ति के इलाज की टेक्निक को जानता है, इसको जिंदा रखना और इसको हमारे साथ वापस लेकर चलना। वरुण ने अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए अपने दांतों को आपस में दबा लिया था और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई थी। वो कार्तिक को नहीं मारेगा, वो कार्तिक को ये बताना चाहता था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब जिंदा रहना मौत से ज्यादा पीड़ादायक होगा। हालांकि वरुण की चोटें काफी गंभीर थी, उसने अपनी बात पूरी की थी तभी उसने अचानक से फिर से खून की उल्टी कर दी थी। वरुण खुद को होश में नहीं रख पा रहा था और कार्तिक को एक बार देखने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। इसको वापस लेकर जाओ, ग्रुप के लीडर ने उसके बराबर में खड़े लड़के से कहा और वो बेहोश वरुण को अपने माथे पर सलवटों के साथ देख रहा था। उस लड़के ने एकदम से हाँ में सिर हिलाया और उसने वरुण को अपनी कमर पर रखा। उसका शरीर एक पल के लिए चमका और वो अचानक से उस जगह से पूरी तरह से गायब हो गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड